गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं इकोनॉमिक्स एंड द टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने कल पढ़ा था फीचर्स एंड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और आज हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका फर्स्ट टॉपिक है प्राइस डिटरमिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, हमने उस दिन पढ़ा था स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है प्राइस डिटरमिनेशन के लिए। जैसे कि हमने पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं डिमांड फोर्सेस एंड सप्लाई फोर्सेस इन द मार्केट। किसी भी कमोडिटी का जब प्राइसिंग होता है, किसी भी मैन्युफैक्चरर जब कोई कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है तो सबसे पहले वो उसका प्राइस डिसाइड करता है और प्राइस डिटरमिनेशन के लिए वो किसकी स्टडी करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करता है। सो हियर द फर्स्ट पॉइंट इज प्राइस डिटरमिनेशन इन विच माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम हमारे प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करते हैं। पॉइंट नंबर टू, फ्री मार्केट इकोनॉमी। सो डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड इंपॉर्टेंस है फ्री मार्केट इकोनॉमी, जिसमें हम स्टडी करते हैं पूरे के पूरे मार्केट स्ट्रक्चर की, जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड है, फर्म्स है, इसमें हर एक व्यक्ति की स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स द्वारा की जाती है। लाइक मैन्युफैक्चरर क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, किस चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कितनी क्वांटिटी में कर रहा है। सो मैन्युफैक्चरर को सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ेगी एंड इट इज नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी। सो आपको फ्री मार्केट इकोनॉमी में ये मेंशन करना है कि इन द मार्केट इकोनॉमी सबसे फर्स्ट हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हैं एंड विदाउट द यूज ऑफ मार्केट माइक्रो इकोनॉमिक्स आप मार्केट की इकोनॉमी की स्टडी नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर थ्री इज फॉरेन ट्रेड। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम फॉरेन ट्रेड का स्टडी करते हैं। देखिए, एक्चुअली जो फॉरेन ट्रेड है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, एमए सीआरओ का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे उसका बहुत छोटा स्टडी है, छोटा सा एस्पेक्ट आपको दिया गया है कि अगर हम फॉरेन ट्रेड करते हैं इट मींस दैट या तो हम फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं या फॉरेन को एक्सपोर्ट करते हैं। सो ये जो पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, ये जो पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड है, इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं एंड मैक्रो की स्टडी के फुलफिलमेंट के बाद हम इसका मैक्रो में स्टडी करते हैं। सो ये फॉरेन ट्रेड में आपको सिर्फ इतना ही मेंशन करना है स्टूडेंट्स कि फॉरेन ट्रेड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि सबसे पहले हम किसी भी फॉरेन कंट्री की स्टडी करते हैं एंड उसके बाद उसका या तो इंपोर्ट करते हैं या तो उसको एक्सपोर्ट करते हैं। पॉइंट नंबर फोर, पॉइंट नंबर फोर इज इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। सो स्टूडेंट्स, ये आपके एक नया टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स का यूज करके हमारे इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे घर में कोई फंक्शन है एंड हम अराउंडली 400 to 500 पर्सन को उस फंक्शन में बुलाने वाले हैं। सो हियर हम उन 500 and 400 जो मेहमान है, जो गेस्ट है, उनकी स्टडी नहीं करते हैं, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत हम एक गेस्ट का स्टडी करते हैं कि एक गेस्ट एक्चुअली कितने चपाती गेन करेगा, वो कितनी सब्जी लेगा, वो कितने गुलाब जामुन खाएगा, वो क्या करेगा, वो किस तरीके से किस किस चीज का कंजम्पशन करेगा, दैट इज इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। So, यहाँ पे हम ओवरऑल 500 गेस्ट की स्टडी ना करते हुए एक सिंगल गेस्ट की स्टडी करते हैं एंड एक सिंगल गेस्ट की स्टडी के बाद हमें पूरे के पूरे इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग का स्टडी हो जाता है। दिस इज नोन एज इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। पॉइंट नंबर फाइव, बिजनेस डिसीजंस। सो स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने बिजनेस के डिसीजंस लेता है कि उसको कितना मैन्युफैक्चरिंग करना है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसका प्राइसिंग कैसे डिसाइड करना है, उसके लेबर्स को किस तरीके से वो वेजेस पे करेगा, मतलब ये सारे के सारे डिफिकल्टीज हैं जो क्वेरीज बिजनेसमैन को आते हैं। इन सारे क्वेरीज का एक ही सॉल्यूशन है कि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करे एंड उसके बिजनेस में आने वाली हर एक प्रकार के जो भी डिफिकल्टीज है उसको सॉल्व करे। सो हियर बिजनेस डिसीजंस में हमको ये मेंशन करना है कि किस तरीके से एक बिजनेसमैन
मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज करके अपने बिजनेस डिसीजंस को प्रॉपरली ले सकता है. पॉइंट नंबर 6, यूजफुल टू गवर्नमेंट. सो डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट जो है वो पूरे के पूरे कंट्री पे एक साथ कोई भी नया फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकती है. सबसे पहले वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने फॉर्मूला को अप्लाई करती है एंड उसके बाद में उसके जो रिजल्ट रहते हैं, देन गवर्नमेंट विल बी डिसाइडेड कि उसको ये फॉर्मूला ऑल ओवर द कंट्री में अप्लाई करना है या नहीं करना है. सो हियर माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से वो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल बायर, एक इंडिविजुअल सेलर पे अपने फॉर्मूला अप्लाई करती है एंड अगर उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो हमारी गवर्नमेंट वो सारे के सारे रूल्स हम सब पे भी लागू करती है. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट importance of macroeconomics, that is useful to government. Basis of welfare economics. So students, ये एक बहुत important importance है macroeconomics का, क्योंकि macroeconomics का जो base है वो क्या है, welfare. ये हमने scope में भी पढ़ा है कि किस तरीके से हम हमारे country का welfare कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको last time भी example दिया था water का, कि बहुत सारी industries water का use कर रही है लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे पास जो पानी है उसकी हम रक्षा करें, उसको हम बचा के रखें, बिकॉज वो हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्सेस है. सो किस तरीके से गवर्नमेंट उस नेचुरल रिसोर्सेस को बचाती है, किस तरीके से एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपने पानी का कम से कम यूज करता है, नेचुरल रिसोर्सेस का कम से कम यूज करके मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है, दैट इज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. सो यहां पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एक वेलफेयर इकोनॉमी समझ सकते हैं. स्टूडेंट्स, यहां हमने देखे डिफरेंट इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो यहां अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो, क्वेरी हो, आप मुझे पर्सनल कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमारा जो टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कंप्लीट होता है. हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार मैं आपको वापस पढ़ा देता हूं. इसमें हमने पढ़ा है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स.